हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू शिवीज क्लासेस। मैं शिवानी, मैं करती हूँ आपकी मदद आपके बच्चों को पढ़ाने में। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूकेजी के बच्चों के लिए इंग्लिश की वर्कशीट। ये वर्कशीट इंग्लिश यूकेजी के इंग्लिश सीरीज की 7th वर्कशीट है। 6 वर्कशीट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो सारे वर्कशीट्स देखने के लिए आप यूकेजी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें आपको लाइन से सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। अगर आप लाइन बाय लाइन पूरी वर्कशीट को फॉलो करेंगे तो यूकेजी का आप पूरा कोर्स अपने बच्चों को कंप्लीट करा सकते हैं घर बैठे। आज के वीडियो में मैं आपको वन एंड मैनी का कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों को वन और मैनी का कॉन्सेप्ट किस तरह से समझा सकते हैं। उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करा के बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। और इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने दिस दैट दीज दोज का कॉन्सेप्ट बताया है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आप बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू समझाएंगे वन मैनी कॉन्सेप्ट, तो उनको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये पेन लिया हुआ है, तो आप बच्चों को बोलिए कि अगर यहाँ पे वन पेन है, अगर एक पेन है, तो हम सिंपली उसको PEN पेन बोलते हैं। बट अगर वहाँ एक से ज़्यादा पेन हो जाते हैं, मीन्स अगर 2 है, 3 है, 4 है, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उनके लिए हम उसी स्पेलिंग में आगे एस लगा देते हैं। मीन्स अब इसको हम बोलेंगे पेन्स, PENS पेन्स। वन है तो PEN पेन, और मोर देन वन एक से ज्यादा है तो PENS पेन्स हो जाएगा। ऐसे तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में बहुत सारे वर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज लगते हैं। जैसे उन कुछ वर्ड्स में एस सिर्फ लगाते हैं, कुछ वर्ड्स में ES लगाते हैं, कहीं पे IES लगता है, कहीं VES लगता है, तो काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। बट यूकेजी क्लास में आपको सिंपल ऐसे वर्ड्स बताने हैं बच्चों को जिसमें बस एस ऐड होके वन का मैनी हो जाता है। तो अभी जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया, इस तरह से आप और भी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे कि अपने बैंगल आप ले सकती हैं, वन बैंगल दिखाइए, तो वन है तो बैंगल, और एक से ज़्यादा होंगे तो बैंगल्स हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने बच्चों का कोई टॉय ले सकते हैं, अगर वन टॉय है तो उसको TOY टॉय बोलेंगे, और अगर मोर देन वन है तो TOYS टॉयज हो जाएगा। तो इस तरह से रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद आप बच्चों को इस तरह की वर्कशीट्स बना के दे सकते हैं। ये वर्कशीट आप इजीली अपने घर में देख के बना सकते हैं, और इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो ये वर्कशीट आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वर्कशीट खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां जाके आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको यूकेजी क्लास का पूरा बंडल प्रोवाइड करा सकती हूँ PDF फॉर्मेट में। फिर आप किसी भी शॉप पे जाके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। टोटल आपको यूकेजी की 12 वर्कशीट्स मिलेगी जिसमें कि टोटल 47 पेजेस कवर हैं। तो आइए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वन मैनी, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जैसे वन है काइट, वन कप, वन पेन, वन लॉक, वन हैट, और इधर थ्री है तो कप्स, थ्री हैट्स, फोर लॉक्स, टू काइट्स एंड फोर पेंस। तो एक से ज़्यादा है यहाँ पे चीज़ें, इसलिए सारे स्पेलिंग्स में एस लगा हुआ है। और यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, सिंपली इसको मैच करना है। और जैसे कि यहाँ पे वन काइट है तो यहाँ पे टू काइट से इसको मैच कराएंगे। नेक्स्ट वन कप, थ्री कप्स, वन पेन, फोर पेंस, वन लॉक, फोर लॉक्स, वन हैट, थ्री हैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को स्पेलिंग लिखनी है, जैसे कि यहाँ वन बॉल है तो यहाँ पे थ्री है तो बॉल के आगे एस लग जाएगा, बॉल्स। वन पेन, फोर पेंस, वन कैप, टू कैप्स, वन लैम्प, थ्री
lamps. One balloon, four balloons. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट वर्ड. अब यहाँ पे देखिए एप्पल की पिक्चर है, तो ये एप्पल है या एप्पल्स है? तो बिकॉज यहाँ वन एप्पल है तो बच्चे एप्पल पे टिक करेंगे. ऑरेंज है, टू ऑरेंजेस की पिक्चर है तो ऑरेंज होगा या ऑरेंजेस होगा? तो बिकॉज यहाँ टू है तो लास्ट में एस वाले पे टिक करेंगे. वन अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला या अम्ब्रेलाज? तो वन है तो अम्ब्रेला. वन एंड थ्री टब्स, वन बैट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे देखिए बॉल्स, तो बॉल यहाँ भी है, बॉल यहाँ भी है, बट यहाँ वन बॉल है और यहाँ पे टू है. यहाँ पे बॉल्स यानी मैनी बॉल्स के बारे में बात हो रही है, तो इससे मैच कराएंगे. पॉट, यहाँ भी पॉट है, यहाँ भी पॉट है, बस यहाँ टू है और यहाँ वन है, तो यहाँ पे एस नहीं लगा है तो हम वन वाले से मैच कराएंगे. ये बॉल में एस नहीं लगा है. वन बॉल, वन मैट, टू पॉट्स, टू मैट्स. तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप बना के बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको ये वर्कशीट काफी हेल्पफुल लगी होगी. वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सेवेंथ वर्कशीट है. इसके आगे 9, 10, 11, 12 और भी वर्कशीट्स आपको मिलेंगी. यूकेजी के लिए मैं मैथ्स, ईवीएस और हिंदी की भी वर्कशीट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उन पर भी आपको वीडियोज मिल जाएंगे. हाँ, यूकेजी के साथ ही क्लास नर्सरी, एलकेजी, 1, 2, 3 तक के क्लासेस के वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे. तो अगर आपका बच्चा उनमें से किसी भी क्लास में है तो आप उस क्लास की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं. उसमें भी मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.